पेड़ लगाओ रे, पौधे लगाओ रे, पेड़ लगाओ रे, पौधे लगाओ रे, पानी देकर बाड़ लगा कर इनको बढ़ाओ रे। पेड़ लगाओ रे, पौधे लगाओ रे, पेड़ लगाओ रे, पौधे लगाओ रे, पानी देकर बाड़ लगा कर इनको बढ़ाओ रे। पानी देकर बाड़ लगा कर इनको बढ़ाओ रे। आज हम श्री मास्टर देशराज जी से प्रेरित होकर अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाएंगे। जय हिंद। प्यारे बच्चों, मैं सेवानिवृत्त अध्यापक इस टाइम 82 साल का हो चुका हूँ। मैं पिछले कई सालों से वृक्षारोपण का कार्य कर रहा हूँ। मैं सुबह उठते ही गर्मियों में 7 बजे से 8 बजे तक वृक्षों की सेवा करता रहा। अब सर्दियों में 12 से 1 बजे तक 1 घंटा वृक्षों की सेवा करता हूँ। मैंने गांव मडाना में 1000 वृक्ष लगा दिए हैं और गांव वाणीखेड़ा में भी 100 वृक्ष लगा दिए हैं। वृक्ष हमें छाया, फल देते हैं और ख़ास बात क्या है, वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन के बिना आदमी जीवित नहीं रह सकता। इसलिए प्यारे बच्चों और भाइयों और अध्यापकों, आप सबको एक एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए और उसकी कम से कम 5 साल संभाल करनी चाहिए ताकि वो पूरा पेड़ बन जाए। और पीपल का वृक्ष मिल जाए तो पीपल के वृक्ष ज़्यादा लगाने चाहिए, क्योंकि पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो दिन रात ऑक्सीजन देता है। बाकी पेड़ दिन दिन में ऑक्सीजन देते हैं। तो इतना कहते हुए मैं सब बच्चों से फिर दोबारा कहता हूँ कि अपनी एक एक वृक्ष जरूर लगाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद। मेरा जन्म पाकिस्तान जब बन रहा है वहाँ पीरोवाल स्टेशन तहसील खानेवाल जिला मुल्तान में हुआ। उसके बाद मैं वहाँ प्राइमरी पीरोवाला में पास की और उसके बाद 6ठी में खानेवाल खालसा स्कूल में पढ़ रहा था। उस टाइम ये बंटवारा हो गया और हम खरबड़ा गांव में आ गए। वहाँ मैंने फिर दोबारा 5वीं पास की। उसके बाद मुंडहाल में 8वीं पास की। उसके बाद हम खांडाखेड़ी चले गए। खांडाखेड़ी से मैंने नारनौन 10वीं पास की।
दसवीं पास करते ही मैं अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में टीचर लग गया। एक साल टीचर रहने के बाद मैंने JBT का कोर्स बठिंडा किया। वहाँ से बठिंडे से आते ही मैं फिर दोबारा मतलौडा टीचर लग गया। मतलौडा 7 साल रहा। उसके बाद मढ़ाना 1963 में मढ़ाना स्कूल में ट्रांसफ़र करवा लिया। अब 1963 से मैं लगातार यहीं रह रहा हूँ और यहीं से रिटायर हुआ 1994 में। रिटायरमेंट के बाद मैं वृक्षारोपण का कार्य कर रहा हूँ। 1 घंटा रोज़ाना वृक्षों के लिए निकालता हूँ, उनमें पानी डालना, छोटे वृक्षों में उनकी बाड़ करना नित्य का मेरा कार्य है। मास्टर जी, वृक्ष लगाना, पेड़ लगाना, आपके मन में ये भाव कैसे बना, क्यों बना? पेड़ लगाना, वृक्ष लगाना, मैं स्कूल में अध्यापक रहता हुआ भी पेड़ लगाता था। मुझे उनसे प्रेम हुआ ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन बिना इंसान जी नहीं सकता। मैंने स्कूल में वृक्ष लगाए, बच्चों को भी कहता था कि वृक्ष लगाओ, वृक्ष बिना इंसान का जीवन बेकार है, ऑक्सीजन बिना इंसान जी नहीं सकता, इसलिए जितने पेड़ लगाओगे उतनी बीमारी कम आएंगी और आदमी स्वस्थ रहेंगे। वृक्ष हमें छाया देते हैं, फल देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, तो वृक्ष तो लगाते रहना चाहिए। तो आपने अभी तक मंडाना व आसपास के कौन कौन से इलाकों में पेड़ लगाने का काम किया है? मैंने मंडाना, लोहारी जाटू स्कूल में, मढ़ाना शमशान भूमि में, मढ़ाना प्राइमरी 2 स्कूल हैं दोनों में, 10+2 का स्कूल है उसमें, बूस्टर में, बुआनीखेड़ा शमशान भूमि में, सब जगह वृक्ष लगाए हैं और उनकी अब भी सेवा करता हूँ, देखभाल करता हूँ। आप पेड़ लगाते हैं फिर उसकी रखवाली करते हैं, तो इतनी मेहनत करने का जज्बा, इतना परिश्रम करने का जो मन है, वो कैसे बनाते हैं आप? वो भगवान की मर्जी है जी, उसने भेज दिया कि जाओ वृक्ष लगाओ, ये जो है जनता को बहुत फायदा करेंगे, पशुओं, पक्षी, जानवर सब जो है वृक्षों के नीचे बैठते हैं, ऊपर बैठते हैं और इनके फल खाते हैं, छाया लेते हैं, इसलिए वृक्ष तो एक बहुत बढ़िया चीज़ है, लगाते रहना चाहिए, हर इंसान को कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। आपके बच्चे काफ़ी संपन्न परिवार हो गए हैं, तो आप उनके साथ क्यों नहीं रहते, गांव में ही क्यों रह रहे हो? गांव में मैंने बहुत ज़्यादा वृक्ष लगा रखे हैं, उनकी सेवा के लिए रह रहा हूँ। सुबह उठता हूँ, जब 1 घंटा तो डेली का काम है मेरा है, अब तो मैं दोपहर को करता हूँ सेवा और गर्मियों में सुबह 1 घंटा से भी ज़्यादा समय वृक्षों की सेवा के लिए लगाता हूँ। तो वृक्षों की सेवा के अंतर्गत क्या क्या करते हैं आप? मैं उनमें पानी डालना, बाड़ करनी, ये कार्य जो है वृक्षों को संभालता रहता हूँ कि इसकी कोई बाड़ जो है ना उतर जाए, कोई पानी बिना रह ना जाए। पानी डालता हूँ, बाड़ करता हूँ, पूरे पेड़ बनाता हूँ। आपकी धर्मपत्नी भी काफ़ी बीमार है, वो बच्चों के साथ जाना चाहती है, तो आप बच्चों के पास क्यों नहीं जा रहे? बस सिर्फ वृक्षों के लिए, वृक्षों की सेवा के लिए नहीं जाता मैं, और धर्मपत्नी का काम जो है आधा मैं बंटवा देता हूँ, उसको ज़्यादा काम नहीं करने देता, मैं खुद करता हूँ।
आप भी बीमार हैं, आपको क्या तकलीफ है, वो कब और कैसे हुई? ओ मेरी कोई तकलीफ, मैं परवाह नहीं करता आपकी तकलीफों की। क्या हो गया था आपको, कमर में दर्द कैसे है आपके? ये मैं दीवार कूद कर, स्कूल की दीवार कूद कर वृक्षों में पानी डालने गया था जोड़ में से लेकर, और मेरी कड़ में जो है दर्द हो गया। बुआनी गया डॉक्टर के, जगदीश अरोड़े के पास, हमने लड़के के पास, उसने भिवानी भेज दिया गणपत अस्पताल के सामने। 5 दिन दवाई ली, कोई आराम नहीं आया। उसके बाद फिर गया महामया राम तो नहीं आया, फिर हांसी भेज दिया। हांसी वाले डॉक्टर ने 1 महीना दवाई देकर आखिर क्या कहा, बोले मास्टर जी अब भगवान की माला ले लो, राम राम जपो, अब काम करने योग्य नहीं रहे। महा भाई तेरी माला दे दे जो वृक्षों में पानी डाले। मैंने तो वृक्षों में पानी डालना है। फिर उसने एक ये पट्टी दे दी बांधने के लिए, ये बांध कर मैं सुबह जो है वृक्षों में पानी डाल देता हूँ। दोनों हाथों में बाल्टी उठाई और पानी डाल लिया। ये पट्टा जो है काम दे रहा है। उस दिन से एक खराब हो गया, दूसरा ले आया। ये पट्टा जो है बहुत मजबूत चीज़ है, ये कड़ को सीधा रखता है। इससे मैं खूब काम कर लेता हूँ, वृक्षों में पानी डालना है, बाड़ करनी है, हैं। एक गंडासा रखता हूँ बड़ा भारी, जो काट काट कर, छड़े काट काट कर वृक्षों लगाए जाते हैं। अभी तक मास्टर जी आपने कितने पेड़ लगाए हैं और वो कौन कौन सी नस्ल के हैं? देखो जी, मैंने पेड़ लगाए हैं गिने नहीं हैं, 1000 हैं, 1100 हैं, पता नहीं, गिनती नहीं है। पीपल हैं, नीम हैं, बकायन हैं, इस तरह के वृक्ष ज़्यादा लगाए हैं। ये वृक्ष जो हैं काफ़ी लगा रखे हैं, गिने नहीं हैं कितने हैं, इनकी कोई गिनती नहीं है। बुजुर्ग आदमी तो घर में आराम करता है चारपाई पे, तो आप इतनी ताकत कहाँ से लाते हैं? भगवान ने ताकत दे रखी है जी, सवेरे उठकर हैं, बस लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। मेरी पूजा पाठ सिर्फ वृक्षों की सेवा है, इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं समझता हैं। यही है मेरी सेवा, और मैं जो मन है वृक्षों के लिए बहुत मजबूत है, दोनों हाथों से खूब कार्य करता हूँ। भगवान ने शक्ति दे रखी है और काम करता रहूँगा। यही प्रार्थना करता हूँ, ये भगवान मुझे जो है मेरा शरीर स्वस्थ रहे और मैं वृक्षों की सेवा करता रहूँ। मास्टर जी, आप जो वृक्ष लगाते हो उनके लिए पैसा कहाँ से आता है, तो उसका क्या व्यवस्था करते हैं आप? पैसा तनख्वाह आती है, 100 रुपये का एक पेड़ आता है बयानी से, 100 रुपये में ले आता हूँ, 5 पेड़ ले आया, लगा दिए, फिर 5 पेड़ लगा दिए, और मैं आरएमपी डॉक्टर भी हूँ, उससे भी थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती है, हाँ। और फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो मेरे बच्चे भी दे देते हैं पैसे वृक्षों के लिए, वो भी नहीं मना करते, और ला भी देते हैं वृक्ष लगाने के लिए, लगा भी आ भी देते हैं, उठा ले आए बीमारी से, लो जी पिताजी लगा लो, लो जी पिताजी बुआनी खेड़ा ये लगा लो। आपकी दृष्टि में ये जो नीम है, बड़ है, पेड़ है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण पेड़ कौन सा होता है, उसका क्या फायदा है? पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो दिन रात ऑक्सीजन देता है, बाकी पेड़ दिन दिन में ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए मैं पीपलों पर ज़्यादा जोर देता हूँ। जो बच्चे प्रदूषण फैलाते हैं, बीड़ी पीते हैं, हुक्का पीते हैं, उनको मैं ये कहता हूँ बेटा एक पीपल का पेड़ लगा दो और तुम्हारा प्रदूषण अपने आप ख़त्म हो जाएगा। जो अपने गांव के लोग हैं उनका कैसा सहयोग रहता है? बहुत बढ़िया सहयोग है। कोई भी बच्चा, कोई भी मास्टर जी बोला, बाल्टी उठाकर चलता हूँ, रास्ते में पकड़ लेते हैं, ले आओ जी मैं गिरूँगा पानी, हैं, कहीं भी मिल जाते हैं जोड़ पर, ले आओ जी मैं काट कर लगाता हूँ बाड़, वो मेरी खूब मदद करते हैं। और फिर उनकी वृक्षों की रुखाड़ भी रखते हैं, कोई डंगर, कोई आदमी बाड़ ना तार ले, कोई वृक्षों को नुकसान ना पहुँचाए, ध्यान रखते हैं। कोई बच्चा मिल जाएगा मुझे, मास्टर जी ले आओ मन दो बाल्टी, मैं गिरूँगा वृक्षों में पानी, मैं कुहाड़ा लेकर चलता हूँ, एक गंडासा होता है वो बड़ा, हाँ फरसा होता है, फरसा है मेरे पास, वो फरसा जो है काट कर बाड़ लगाता हूँ, तो कई बच्चे मिल जाते हैं, ले आओ जी मैं काटता हूँ, वो मदद करते हैं।
और वृक्षों की देखभाल भी करते हैं और करनी भी चाहिए। वृक्ष अगर नहीं है तो आदमी बहुत ज़्यादा बीमार होने लग जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं होगी तो बीमारी फैलेंगी। वृक्ष लगाना बहुत ज़रूरी है। आपके जो परिवार वाले हैं उनका कैसा कोऑपरेशन है? बिल्कुल बहुत बढ़िया कोऑपरेशन है, लेकिन वो कहते हैं मंडाना छोड़ दो। मंडाना नहीं छूटता, क्यों, इनसे प्रेम है, लोगों से भी प्रेम है और पौधों से भी प्रेम है। जब हाथ काम करने रह जाएंगे तो अपने आप उठा ले जाएंगे, अभी तो हाथ मजबूत हैं, काम करता हूं मैं। क्या तमन्ना है कि भी कितने पेड़ लगाने चाहिए, मतलब आपकी अभिलाषा क्या है? मेरी अभिलाषा ये है जब तक जीवित रहूं, जब तक पेड़ लगाते रहूं और उनकी सेवा करता रहूं। और बच्चों को भी यही कहूंगा, भाई अगर मेरे से किसी कारण मेरा मंडाना छूट जाए तो तुम इन वृक्षों की देखभाल करना। गांव वालों को भी कहना कि भाई वृक्ष जो लगा रखे हैं इनकी सेवा करें, और तुम भी महीने में 15 दिन में एक आधा चक्कर मंडाना लगाना। यदि किसी पेड़ में बीमारी हो जाए तो उससे उसका कैसे पता चलता है? उसका पत्ते सूखने लगते हैं तो पता लग गया कि इसको दीमक लग गया है, दीमक की दवाई डाल दी जाती है। बड़े पेड़ को बहुत कम जो है, अगर बीमारी लग भी जाए तो ख़त्म नहीं होती। छोटे बच्चे पेड़ों में अगर दीमक लग जाए तो उसमें दीमक की दवाई डाल दी जाती है, वो फिर ठीक हो जाता है और चल पड़ता है। जिस तरह छोटे बच्चा बीमार हो जाए तो उसको दवाई दी जाती है और वो फटाफट जो है ठीक हो जाता है। बड़े आदमी बीमार हो जाए, घना बीमार हो गया तो भाई हॉस्पिटल में ले जाओ, ग्लूकोज चढ़वाओ, फिर भी जो है ठीक नहीं होते। नीम के पेड़ के क्या फायदे आपकी दृष्टि? नीम जो है ऐसा पेड़ है, इसमें जो है नीम की दातन करने से और इसके पत्ते जो हैं तोड़ कर डालते हैं घर में, सुखा कर इसमें कपड़ों में, तो बीमारी नहीं लगती। नीम की दातन की जाती है, दांतों को ख़राब नहीं होने देते। नीम बहुत बढ़िया चीज़ है। आपकी जो फिल्म है जो लोग देखेंगे उनको क्या कहना चाहोगे आप? मैं ये कहूँगा भाई पेड़ों को नुकसान मत पहुँचाना, पेड़ों की रक्षा करना, जहाँ तक हो सके पेड़ लगाओ और पहले लगाए पेड़ों की रक्षा करो। धर्म के लिए कर रहे हैं जी, सहन करना पड़ता है। अब क्यों, नाजायज काम तो करते नहीं, कुछ कुछ पुण्य का काम करते हैं। इनके खुशी है भाई मैं ये काम करूं। कितने पेड़ पौधे लगाए होंगे मास्टर जी ने? काफ़ी सारे लगा रखे हैं, कितने हज़ार हैं, 4,000 हैं क्या, 2,000 हैं, पता नहीं। मैं तो गई नहीं कभी भी, 4,000-5,000 तो लग रहे होंगे, क्यों कहीं कहीं लगाए हैं। आपके बच्चे आपको अपने साथ रखना चाहते हैं मास्टर जी, क्यों नहीं? हाँ जी, 4 साल हो गए उनको, खूब हमारी मिन्त कर 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 गए हैं, लेकिन हर साल लगाते हैं, कहते हैं मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कैसे छोड़ के जाऊँ उनको। तो ये बच्चे, बहू भी कहती हैं कि गोदी ले चले हैं तो इनकार कर देते हैं, मेरा दिल नहीं लगता, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो बच्चे तो बहुत लायक हैं हमारे, ले जाकर राजी हैं, लेकिन ये नहीं जाते, इनके सारे फिर मैं हूँ। रोटी पानी का कौन प्रबंध करे? जैसे ही ये रिटायर हुए इन्होंने अपना दूसरा कोई काम धंधा कोई और कुछ करने की सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक ही लगन पेड़ पौधे लगाने की लगी, और रात दिन इन्होंने पेड़ लगाने में एक कर दिया। इन्होंने गांव के चारों तरफ 5-6 जो तालाब हैं उनके ऊपर, शमशान घाट में, स्कूलों में, बूस्टर में और खाली जगह, अगर कोई चार दीवारी के अंदर जगह मिल गई वो तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन इन्होंने खाली जगह पर भी बहुत पेड़ लगाए हैं। क्योंकि 2010 से लेकर और 15 तक मैंने भी गांव की प्रतिनिधि किया है,
तो इन्होंने बार बार हमारे से यही पूछा है कि कहीं चार दीवारी या वो चीज़ कहीं पेड़ लगाने की जगह बताओ। जहाँ जहाँ हुई उन्हें मास्टर जी को बताया और उन्होंने पेड़ पौधे लगाए। तकरीबन 4-5 हज़ार के आसपास इन्होंने पेड़ पौधे लगाए, जो कि एक मिसाल है। हमारे देश में पौधारोपण के बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं, बहुत सारे नेता पौधा लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं और चले जाते हैं उसको भूल करके। लेकिन हमारे पिताजी का कहना है कि इस तरह का पौधारोपण मेरे को नहीं करना। उनके लिए पौधारोपण वो है कि वो पौधा लगाएं, छोटे से लगाएं और उसको वृक्ष बनता देखें, उसकी देखभाल करते हैं, उस स्टार्टिंग से ही उसका बाड़ करते हैं। यदि शहरों में लगवाए हैं तो ईंटों की वो बाड़ बनवाते हैं और पूरी देखरेख के साथ उसको बड़ा होना देखना चाहते हैं। यही उनके लिए पौधारोपण है, वही है। अदरवाइज़ तो वो पौधे सूख जाते हैं। उनको खुद पानी देना, अपनी मेहनत से, यहाँ मंडाना गांव में या दूसरी जगह पर जहाँ पर भी लगाए हैं, अपनी मेहनत से पानी को। यहाँ पर ऐसी सुविधा नहीं है कि हमने सबमर्सिबल लोन कर दिया और पानी आ गया, नहीं। गांव के तालाब से बाल्टियों से भर करके पानी उन्होंने डाला है और ये इतना आप देख रहे हैं, जो जितने भी पेड़ हैं इसी तरह से डेवलप किए हैं उन्होंने। कम से कम 22-23 साल से रिटायरमेंट के बाद में ये लगे हुए हैं इस काम में। मैंने बहुत बार प्रयास किया है कि मैं पिताजी को अपने साथ रखूं। उम्र ज़्यादा हो चुकी है, बीमार भी हो जाते हैं, लेकिन उनका यही जवाब होता है, बेटा सुबह उठ करके मेरे को पानी डालना है, मेरे पौधे मेरा इंतजार कर रहे हैं। किसी दिन बीमारी की वजह से मैं उनको रात में रख लेता हूँ तो सुबह 5 बजे उठ करके मेरे को बिना बताए भी चले जाते हैं। जब मैं पूछता हूँ, बोले जी मैं तो मंडाना पहुँच गया बेटा, तो चिंता ना मत करना, मैं अपने पौधों को संभाल रहा हूँ। मैं बहुत कोशिश कर चुका पिताजी के और माताजी को निसार में रखने की, लेकिन उनका यह कहना है, बेटा तेरी माँ को रख लो, मैं मंडाना जाऊँगा, मेरे पौधे मेरा इंतजार कर रहे हैं। जब भी किसी को इस प्रकार देखते थे कि बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो उसको पकड़ करके समझाना। जब स्कूल में थे, मैं पिताजी का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं उनके पास 5वीं तक पढ़ा हूँ, तो एक बच्चा जो इसी गाँव का है, काफ़ी बड़ा हो गया था और वो गायों को भैंसों को लेकर के जाता था खेत में, बोले जी पाली रख रखा है। पिताजी ने उसको पकड़ा, बेटा आपको पढ़ा देते हैं। बोले जी मैं तो 10 साल का हो लिया, मेरा कौन एडमिशन करेगा। बोले कोई बात नहीं, 10 साल उम्र नहीं, बड़ी उम्र नहीं होती। वो उस बच्चे का पेरेंट्स को समझाया और उसका एडमिशन करवा दिया। वो बच्चा 10वीं पास करके दिल्ली पुलिस में लगा हुआ है और जब भी आता है पिताजी से मिलता है और धन्यवाद करता है कि मास्टर जी मेरी लाइफ बना दी आपने। तो पिताजी को मैं ये कहता हूँ कि आपके लिए गाड़ी खरीद देता हूँ, या आप गाड़ी में आ जाया करो, आपकी उम्र नहीं है इस प्रकार चलने की, कहीं मतलब बस में भी झटके खाने पड़ते हैं, कमर में दर्द होता है। तो वो कहते हैं, बेटा एक और पर्यावरण को दूषित करने के लिए एक साधन और मंगवा दोगे आप, ऐसे साधन मेरे को नहीं चाहिए। जब इनकी उम्र ठीक ठाक थी तो साइकिल से चलना पसंद करते थे, अभी अभी हम लोग वो साधन जुटा करके, इनको कोई तकलीफ होती है तो मंडाना में साधन भेज देते हैं, तब वो आते हैं। अपनी तरफ से ये कोई प्रयास नहीं करते कि कोई साधन हो या सुख सुविधा के बारे में, इस प्रकार कोई जीवन में नहीं चाहते। वो कहते हैं कि मैं मेहनत करूं, जब जितना जीऊं मेहनत करके करूं। मैं गुरु जी का विद्यार्थी रहा हूँ पहली क्लास से ही, जब हम छोटे छोटे थे तब से। ये शायद इधर आप देख रहे होंगे तालाब है यहाँ, इस तालाब से हम पानी लेके और स्कूल में पेड़ लगवाते थे, गुरुजी की देखरेख में पेड़ लगाते थे हम। फिर थोड़े से बड़े हो गए, ये यहाँ आप जो देख रहे हो, आप पीछे आपका कैमरा घूमेगा तब देखेंगे, यहाँ शमशान भूमि थी और इस शमशान भूमि में हम छोटे छोटे थे, हमें डर लगता था, इसकी कोई चारद्वारी नहीं थी, जब भी कोई मुर्दा जलता तो हमें भय लगता था, हम दूर से जाते थे। और गुरुजी ने फिर एक इनके दिमाग में आया कि ये तो सबसे पवित्र जगह है, इन्होंने हमें भी बताया, और इन्होंने क्या किया कि यहाँ पेड़ लगाए, पेड़ लगाना शुरू कर दिया, पीपल के पेड़, नीम के पेड़, और ये पूरा यहाँ बिल्कुल पूरे कैर के पेड़, बड़े बड़े हींस और पता नहीं कैसे कैसे कांटों वाले से पेड़ थे, उनको इन्होंने बड़े प्रयास से इन्होंने साफ किया। और यहाँ आपके पीछे कैमरा के पीछे एक होदी बनाई इन्होंने, उसमें पानी भर जाता, उसमें से पानी डाल डाल के, पानी डाल डाल के इस दीवार के ऊपर से, और फिर चारद्वारी जो थी वो चारद्वारी बन गई। तो ये
घूमते भी रहते वे, चलो चार द्वारी बंडी है भाई, किसी के पशु पक्षी पशु इसमें नुकसान ना करें, उनके पूरी रखवाली करना, अगर किसी का घुस गया तो उसके पास जाके उनके घर उलाना दे के आते भाई, जो है ना तो मेरे बच्चों को भी मैंने नुकसान पहुंचा दिया, यानी बच्चों के बराबर मानते इनको ये। और इस एरिया को एक कुरुक्षेत्र जैसी नगरी इन्होंने बना दिया, एक पवित्र धाम बना दिया। अब यहाँ आते हैं किसी का भय नहीं लगता, इन्होंने यहाँ सब्जी भी उगा दी ताकि लोगों के मन से भय दूर हो जाए। और इसका जो गांव को सबसे बड़ा फायदा हुआ वो ये हुआ कि इसकी जो झाड़ झंखाड़ था वो दूर हो गया। और आपको पता है पर दूर दूर से रिश्तेदार आते हैं अंत्येष्टि के लिए, वो भी ये कहते हैं यहाँ सदाबहार के फूल इन्होंने लगा दिए। पानी की कमी, हर पंचायत से रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि भाई यहाँ पानी का कुछ बंदोबस्त कीजिए, नहीं तो आप यहाँ देखते हैं कि यहाँ फूल लगा रखे थे इन्होंने, वो फूल पानी की कमी की वजह से अब इनकी उम्र भी हो गई है, देखो इनकी 80 साल से ऊपर 85 साल के करीब इनकी उम्र हो चुकी है। अब भी मैं सुबह में, मेरी आदत है मैं सुबह 4 बजे घूमने के लिए आता हूँ, तो ये उस वक्त अपना गंडासा और 2 पानी की बाल्टी किसी बच्चे को कहेंगे बेटा यहाँ तालाब से पानी भर के यहाँ कर। और आपको एक संस्मरण अगर आप कहें तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ एक पास में बूस्टर है और उस बूस्टर में इन्होंने पौधे लगा दिए, इनको तो जगह चाहिए होती है। उसमें लेवलिंग के लिए एक मशीन आ गई जेसीबी की, जैसे वहाँ चिपको आंदोलन चला था उस तरह से ये उस जेसीबी मशीन के उसमें चढ़ गए और कहा कि मैं यहाँ आपको पैरेलल करने नहीं दूंगा, मेरे पेड़ों को नुकसान हो रहा है। अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं और इन पेड़ों को ये मान के चलते हैं कि भाई मैं तो चलो नहीं हूँ, इस गाँव की धरा का मैंने अन्न पानी खाया है और ये गाँव हरा भरा रहे, यहाँ वायु बिल्कुल शुद्ध रहे, वातावरण बिल्कुल शुद्ध रहे, इसका प्रयास इनका। हम तो ये मानते हैं कि गुरुजी का जीवन सफल है और उन्होंने बहुत कुछ पेड़ पौधों के लिए कर अब भी कर ही रहे हैं। यहाँ इन्होंने घिया की और तोरी की बेल लगा दी सर, तो गांव के मन में ये धारणा कि यहाँ तो जो भूत प्रेतों का वास रहता है और यहाँ की सब्जी हम नहीं खाएंगे, तो इन्होंने स्वयं अपने घर में जाके सब्जी बनाई। देखो भाई बोला वो भूत मुझे कर लेंगे कुछ, धीरे धीरे हम भी, मैं खुद जब बच्चा था छोटा था तो मैं भी डरता था कि यहाँ से सब्जी नहीं लेके जानी, तो जबरदस्ती ले भाई ये तू लेके जा। और धीरे 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 आज आप देख रहे हैं कि यहाँ बिल्कुल, यहाँ जब घास होता है बड़ा घास हो जाता है तो औरतें अपने पशुओं के लिए चारा काट के ले जाती हैं। ये इनकी इस गांव को बहुत सार्थक देन है कि इन्होंने इस भय को निकाल दिया यहाँ कि यहाँ भूत प्रेत वगैरह कुछ नहीं है, ये सबसे पवित्र भूमि है और यहाँ की तो बड़ी जो चीज़ उपजेगी वो औषधीय चीज़ बनेगी। ये इनका सबसे बड़ा इस गाँव को एक उपहार है और एक देन है इनकी। शास्त्री जी, पर्यावरण को लेकर जो ये प्रयास कर रहे हैं उसको किस दृष्टि से लेते हैं आप? देखो जी, वैसे तो गांव का पर्यावरण पहले बहुत शुद्ध होता था, अब धीरे 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 सीमेंटीकरण हो गया है, ये जहां बनी होती थी लोगों ने आगे आगे जाके ने गोबर पुपले डालना शुरू कर दिया है, तो इस गांव का पर्यावरण सुधारने में मास्टर जी एक देवता के तुल्य हैं। इन्होंने जो पर्यावरण के लिए कहा है किया है, और सबसे बड़ी बात यह है स्वयं तो कर ही रहे हैं, बहुत से बच्चों को लगा दिया है इन्होंने, ये बच्चे भी पेड़ लगाने शुरू कर गए हैं। अब मेरे 2-3 भाई हैं, उन्होंने भी बड़ और पीपल के पेड़ लगा दिए हैं, ये इनकी बदौलत है। इस गांव का पर्यावरण अगर शुद्ध है, इसमें मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है कि वो मास्टर जी की बदौलत है। इस गांव का पर्यावरण आप देखेंगे चारों तरफ हरियाली है। मैं इसे एक राजकीय विद्यालय में, मैंने जैसे पहले बताया था मुख्याध्यापक हूँ, आप उस विद्यालय में आपको मैं दिखाऊंगा, आप वहाँ देखेंगे आपको ये लगेगा जैसे मैं किसी तीर्थस्थल पर आ गया। इतने पेड़, 7 पेड़, पंचवटी बोलते हैं इन्होंने, सप्तवटी वहाँ लगा के रखी है, 7 पेड़ इन्होंने वहाँ बढ़ के लगाए हैं, पीपल भी लगाया है और बच्चों को प्रेरणा देते रहते हैं बीच में जाके। स्वयं आज एक 80-90 वर्ष का आदमी स्वयं सुबह बाल्टी उठा के लगेगा और बच्चों को कहेगा बेटा 2 बाल्टी लेके आ, तो उसके मन में सीधी सी बात है, बच्चा तो कच्ची मिट्टी का घड़ा होता है, वो मानेगा। और इनकी जो भावना लोगों के प्रति अच्छी है वही प्रेरणा बच्चों को मिलती है और बच्चे इनका कहा मानते हैं और इस गाँव में पर्यावरण की शुद्धि बहुत हो रही है। आप कब से जानते हैं उनको, किस प्रकार से जानते हैं और वो जो वर्क कर रहे हैं इतनी उम्र में उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? वो तो उनकी बड़ी हिम्मत की बात है जी, इस उम्र में वर्क कर रहे हैं, हर एक आदमी तो कर ही नहीं सकता। और जब से ये यहाँ आए हैं गांव में तभी से जानते हैं, पहले स्कूल में पढ़ाते थे, उनमें भी यहाँ इनके साथ नौकरी की है 10-12 साल, और इनकी शुरू से ही पौधे लगाने में बड़ी रुचि रही है, बच्चों से पानी गिरवाना है, उनकी देखभाल करना इनका मुख्य काम है शुरू से ही।
मास्टर जी ने मंडाना के अंदर जो ये एक बीड़ा उठा रखा है, अभियान चला रखा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बस पूछिए मत इनके बारे में, तो जो इन्होंने ये कार्य अपने कंधों पर उठाया है इस उम्र में होकर, बल्कि नौजवान बच्चों ने इनसे सीख लेनी चाहिए। 81 साल के लगभग इनकी उम्र हो चुकी है और ये अपनी कस्सी बेलचा और काटने वाली झाड़ी का एक वो बना रखा है गंडासी टाइप में, और इनसे अपने उनकी जो वृक्ष लगाते हैं उनको अपने बेटे के बच्चों की तरह, अपने नाती पोतों की तरह पालते हैं इसको। इतना बढ़िया, इतने अच्छे इन लोगों के हमें ये पढ़ाते थे, हमारे गुरुजी थे प्राइमरी का, हमने जो इनसे शिक्षा ली प्राइमरी क्लास में, तब भी इनकी बड़ी अच्छी नेचर रही है, बड़ी अच्छी भावना रही है बच्चों में, अच्छी भावना, अच्छी जागृति डालने का। आपकी दृष्टि में मंडाना में इन्होंने कितने पेड़ लगाए होंगे और गांव वालों का इनके प्रति कैसा रवैया रहता है? नहीं, गांव वालों का बहुत अच्छा रवैया रहता है, बहुत इनका सम्मान है, मान सम्मान है, कहीं भी किसी भी गली में गुजरते हैं राम 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 मास्टर जी, राम राम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी होते हैं इनको। और पेड़ की तो आप पूछो मत, ये आप तो चौथों तरफ देख रहे हैं, पूरा हरा भरा, सब इन्हीं की देन है ये। और मैं तो कहता हूँ इन बच्चों ने, इन लोगों ने, ग्रामीण लोगों ने भी इनसे सीख लेनी चाहिए। लोग धूम्रपान करते हैं, हम गांव में अपने बटोरे में घरों में गोबर जलाते हैं, पानी गर्म रखते हैं उपले जला के, और तो भी धुआं उठता है। तो कम से कम इस उम्र के बुजुर्ग व्यक्ति से इन लोगों ने सीख लेनी चाहिए, गांव के हर व्यक्ति ने, हर बच्चे ने, हमें कम से कम एक पौधा तो लगाए। तो देखो आप कितना हरा भरा हुआ था गाँव, अच्छा बारिश होएगी, समाज अच्छा होगा, अच्छी भाषा सिस्टम मिलेगा। हमारे गांव में एक बार सांग हो रहा था जी, और अच्छी कथा चल रही थी, बहुत बढ़िया, ये भी तल्लीन थे देखने में। फिर अचानक पता नहीं क्या जाना भैया, मेरे बच्चे प्यासे हैं, ये उठे घर गए, अपनी बाल्टी उठाई और आके दो बाल्टी रखते हैं छोटी छोटी, दो प्लास्टिक टाइप की, और आके देखे बैठे पड़ोसी वाला साथ में बैठा था एक, अरे मास्टर जी कहाँ गए? भाई वो तो बाल्टी लेके भाई लाडाड़ा में गया और वो अपने पौधा ने पानी देने लग गया, रात को 12-1 बजे के बाद लगभग। तो ये इनके देखो कितना लगाव है इनका प्रकृति से, इस जुनून है इनका इस सिस्टम से, देश को बचाने में, पर्यावरण को सुरक्षित रखने में, गांव की आबो हवा को शुद्ध रखने में इनकी कितनी भी बड़ाई की जाए वो भी कम है।